नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक, खुद के बजाय एकनाथ शिंदे को दिया मुख्यमंत्री पद। नागपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से सभा का आयोजन, आप बनाएगी 156 वर्ल्ड क्लास स्कूल। और गोवा में शिंदे मुख्यमंत्री होने की घोषणा के बाद समर्थक विधायकों ने मनाया जश्न, विधायकों का वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी में आज का दिन बड़ी उथल पुथल का रहा। राजनीति के इतिहास में आज का दिन देवेंद्र फडणवीस के मास्टर स्ट्रोक के लिए जाना जाएगा। आज उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ पत्र परिषद लेकर स्पष्ट किया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और वे खुद मंत्रिमंडल से बाहर रहेंगे। आज देवेंद्र फडणवीस ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को न सिर्फ तोड़ा, साथ ही जनता के सामने भी अपने आप का कद ऊंचा किया। जब शिवसेना के बागी विधायक भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए निकले, तब संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को कहा था, क्या वह शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इसका जवाब आज देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस पत्रकार परिषद में दिया। ये सच में आज विरोधकों के लिए एक सबसे बड़ा झटका था। आज नागपुर के संविधान चौक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से तीव्र आंदोलन किया गया। उदयपुर में दिन दहाड़े हिंदू युवक कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर हत्या करने के बाद हत्यारों ने धमकी भरा वीडियो भी जारी किया था, जिसके खिलाफ बजरंग दल आक्रामक हो गया है। इस आंदोलन में जोरदार नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े हिंदू युवक कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। उदयपुर में हत्या के बाद इस्लामिक जिहादी हत्यारों ने धमकी भरा वीडियो जारी करना देश की संप्रभुता को चुनौती देना है, जिसे भारत की जनता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए बजरंग दल रस्ते पर उतर आया है। इस जघन्य घटना व बर्बर इस्लामिक जिहाद व आतंकवाद के विरोध में आज गुरुवार को शाम 4:30 बजे संविधान चौक बरडी नागपुर, यहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल नागपुर महानगर की ओर से तीव्र आंदोलन किया गया है, जिसमें कई युवाओं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सहभाग लिया। इस आंदोलन में बैनर्स के साथ जोरदार नारेबाजी की गई और आक्रोश व्यक्त किया गया। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। पूरा देश जानता है राजस्थान के जयपुर में जिस प्रकार की एक कन्हैया लाल की हत्या हुई है, और हत्यारों की हिम्मत देखिए कि पहले भी वीडियो बनाया और हत्या करते समय भी वीडियो बनाया और उसको वायरल किया। इसका मतलब क्या है? अचानक हुई घटना नहीं है, ये षड्यंत्र है, सोचा समझा षड्यंत्र है, योजना के तहत की गई हत्या है। ये हिंदू समाज को चढ़ाने के लिए और की गई ये हत्या है। इसलिए ये हत्या नहीं है, ये आतंकवादी घटना है, इसलिए उसको उसी ढंग से लेना चाहिए और सरकार ने इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अदालती कार्रवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई स्वयं हत्यारा वीडियो जारी कर रहा है, इसलिए एक सप्ताह के अंदर इसकी विशेष अदालत बिठाल करके जांच करा के इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। और ये एक प्रकार का लिटमस टेस्ट है, हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा। हिंदू यदि जागृत नहीं हुआ तो इस प्रकार की घटनाएं हर प्रांत के अंदर होने की संभावना व्यक्त होती है। इसलिए हिंदुओं जागो, इस प्रकार की घटनाएं हमारे प्रदेश के अंदर न हो, हमारे जिले के अंदर न हो, हमारे गाँव के अंदर न हो, इसे संगठित हो, सशक्त हो, हर छोटी बड़ी घटना की ओर प्रतिकार करने की क्षमता निर्माण करो, नहीं करोगे। अमरावती में अमित मेडिकल के निदेशक उमेश कोल्हे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का संबंध नुपुर शर्मा विवाद से है या नहीं, इस मामले की जांच NIA से करने की मांग भाजपा के महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने की है। शिवराय कुलकर्णी ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि उमेश कोल्हे को लूटपाट के लिए मारा गया हो। अगर आरोपी ने चाकू का इस्तेमाल लूट के लिए किया होता तो वो अपना सामान और पैसे लेकर भाग जाता। साथ ही इस हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों को पहले कुख्यात के तौर पर नहीं जाना जाता था। लुटेरों ने पैसे लूटने रहते तो चाकू का डर दिखा कर लेकर गए होते।
ना कि हत्या की होती। अफवाह यह है कि हत्या नूपुर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद हुई। क्या ये आरोपी किसी संगठन से जुड़े हैं? उमेश कोल्ले का मोबाइल फिलहाल पुलिस के पास है। क्या उन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था? क्या उन्हें मिली धमकियां? इस महीने उन्हें किसके फोन आए और कहां से आए? शिवराय कुलकर्णी ने मांग की है कि NIA को अब कई सवालों के जवाब खोजने के लिए जांच करनी चाहिए कि क्या वे एक विशेष समुदाय के थे। हालांकि अमरावती पुलिस एक नतीजे पर पहुंच गई है, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। कुलकर्णी ने कहा कि इसके कारणों का पता लगाने की जरूरत है। उमेश कोल्ले के द्वारा प्राप्त संदेशों और कॉलों की CDR जांच की जानी चाहिए। अमरावती संवेदनशील ना हो, फिर अमरावती में सामाजिक समरसता न बिगड़े। शिवराय कुलकर्णी ने इस मामले की उचित और सख्त जांच की मांग की है। अमरावती से मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे यांची रात्रीच्या अंधारामध्ये 6 ते 8 लोकांनी ज्या पद्धतीने निर्घृण हत्या केली, या हत्येच्या तपासामध्ये इतक्या दिवसांमध्ये अमरावती पोलिसांच्या हाती अजूनही ठोस काही लागलेलं नाही। हा जो खून होता, हा खून पैसे लुटण्यासाठी झाला होता का, या हा खून सुपारी देऊन झालेला होता का, या प्रश्नांची उत्तरं देखील अजून अमरावती पोलिसांना मिळालेली नाही। मात्र या तपासाच्या दरम्यान जी मिळालेली माहिती आहे आणि गावामध्ये जी चर्चा आहे, अमरावती शहरामध्ये जी लोकांमध्ये जी चर्चा आहे, त्यांच्या आप्तेष्टांमध्ये त्यांच्या मित्रांमध्ये जी चर्चा आहे, त्या चर्चेनुसार आम्ही उमेश कोल्हे यांचा बळी हा बळी नूपुर शर्मा प्रकरणातल्या पोस्ट नूपुर शर्मांच्या समर्थनार्थ त्यांनी काही पोस्ट केल्या होत्या म्हणून झाला असल्याचे आहे। अनेक ग्रुपवर त्यांनी पोस्ट टाकलेल्या होत्या, याचे अनेक स्क्रीनशॉट्स अनेक लोकांजवळ उपलब्ध आहे आणि म्हणून तमाम अमरावतीकरांना हा संशय आहे की उमेश कोल्हे यांची हत्या, यांचा निघृण खून हा नूपुर शर्मा यांना समर्थन दिले म्हणून झाला असल्याची शंका सगळं आणि भीती देखील ही नागरिकांच्या मनामध्ये आहे। आणि म्हणून जर असं जर हे प्रकरण असेल तर हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे, संवेदनशील अमरावतीचं सामाजिक सौहार्द खराब होऊ नये त्यासाठी देखील या प्रकरणाचा या पद्धतीने तपास होणं आवश्यक आहे। आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं आहे की या प्रकरणामध्ये NIA या प्रकरणाचा तपास केला पाहिजे, या प्रकरणाचा छडा लावला पाहिजे आणि पुन्हा असल्या प्रकारची घटना अमरावती किंवा कुठेच घडू नये या दिशेने पावलं उचलणं जाणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। म्हणून आमची पुन्हा एकदा सांगतो की आमची मागणी आहे की उमेश कोल्हे यांच्या खून प्रकरणाचा तपास हा NIA सोपवण्यात यायला हवा। आज नागपूर में आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। इस सभा में शिक्षा नीतिया अतिशी मार्लिना उपस्थित थी। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जज्बा देखकर लगा कि जल्द महाराष्ट्र में भी राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होगी। नागपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में आम आदमी पार्टी नगर निगम के माध्यम से नागपुर में इसी दिल्ली मॉडल को लाने की तैयारी कर रहे थे। आगामी नगर निकाय चुनाव में दिल्ली मॉडल को लोगों को देने के लिए सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लोगों को 18 जून को 15,000 लीटर शुद्ध पानी मुफ्त में देने की पहली गारंटी दी है। आज हम दूसरी गारंटी दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आमूलचूल बदलाव कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने की व्यवस्था की है। सरकारी स्कूलों को शिक्षा का बजट 22% बढ़ाकर निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है। इसलिए पिछले साल 4 लाख छात्रों ने निजी स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। दिल्ली के स्कूलों के नतीजे सबसे अच्छे आने लगे हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों ने IIT एम्स में एडमिशन लेना भी शुरू कर दिया है। स्कूलों की इमारतों और सुविधाओं का कायाकल्प, स्मार्ट बोर्ड, खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एक अच्छी गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम को लागू करेंगे, माता पिता बैठक शुरू करेंगे और माता पिता को आत्मविश्वास देकर उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। लोगों से अपील करूंगा और लोगों का सहयोग लूंगा, निःशुल्क ट्यूशन कक्षाएं शुरू करेंगे, ऐसी अपील आम आदमी पार्टी ने की है। इस मौके पर कई सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आम आदमी पार्टी का यह सम्मेलन जो हुआ है, आज आतिशी मैम जो कि हमारे शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति की एक अमूल्य हम ये कह सकते हैं सिपाही जो है, उनके द्वारा आज आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नागपुर के हैं उन्हें उनकी बात सुनने को मिली, उनकी वाणी सुनने को मिली। आतिशी जी का जो पूरा बैकग्राउंड रहा है 2000
2012 से जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तब से वो निरंतर लगी हुई हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। उनका पूरा योगदान रहा, दिल्ली रहे, उसके अलावा महाराष्ट्र रहे, पूरे देश के अंदर में अलग अलग स्थानों में पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते थे उनका भ्रमण वो करती थी और पार्टी को जो जोश एक उत्साह देने का कार्य उनके द्वारा हुआ। साथ ही साथ में जो शिक्षा नीति के लिए उनका जो पूरे दुनिया में नाम जाना जाता है, अभी कुछ ही समय पहले यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें आमंत्रित किया था दिल्ली की शिक्षा नीति पे अपनी बातचीत रखने के लिए। देखिए, हमारी जो दिल्ली से MLA हैं कालका जी से आतिशी जी, वो नागपुर आई हुई हैं, तो ये कार्यकर्ता मेड़ावा था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया चुनावी रणनीति, क्योंकि अभी हम 2022 का जो मनपा इलेक्शन है वो लड़ने जा रहे हैं, और किस तरह कार्यकर्ताओं में बिल्कुल जोश आया उनकी बातें सुन के, और यही है कि हमारे को बहुत काम करना है और हमारे लोग बहुत काम कर भी रहे हैं, तभी आप देख सकते हैं कि आज इतने सारे लोग आए थे आम आदमी पार्टी के और संगठन मजबूत आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हिशाम उस्मानी ने औरंगाबाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के खिलाफ थे और उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थापना के दौरान शिवसेना के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी, और इस तथ्य के बावजूद कि औरंगाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों जिलों के नाम बदलने को मंजूरी दी है, ऐसी जानकारी उन्होंने इस वक्त दी। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे काम करते हुए जो भी पक्ष की तरफ से निर्देश आते रहे मैंने उन सबका पालन किया। मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे पार्टी को मजबूत करूं, संगठन को मजबूत करूं, लेकिन जब ये मुद्दा सामने आया नामा बदलने का, तो मैंने अपने पक्ष के नेताओं को मेल के जरिए ये बात बताई कि अगर इस मुद्दे के ऊपर अगर हम अपना स्टैंड बदलेंगे, जो हमारी पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही कि हम किसी भी नाम बदल को समर्थन नहीं करते, और ये मुद्दा वो जो 22 प्रोग्राम जो 22 पॉइंट्स पे जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें हमारे उस समय के आदरणीय अहमद पटेल साहब भी उसमें मौजूद थे, दिल्ली से आए थे साहब यहाँ पे, तो ये उसमें नहीं आता है 22 पॉइंट्स में, तो इसमें हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी विचारधारा या स्टैंड के लिए जाना जाते हैं और उससे जो हमारे साथ जो रहने वाली जनता है, सेक्युलर जनता है, वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, और जो हमारा स्टैंड है कि हम किसी भी शहर के नाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि नाम बदलना नहीं चाहिए, जो नाम है वो वैसे रहना चाहिए, तो हमने इसको अपोज करना चाहिए। ऐसा मैंने अपनी पार्टी के दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सारे वरिष्ठ नेताओं को मेल्स के जरिए बात बताई थी, लेकिन कल जब ये फैसला आया तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं पार्टी के अंदर, जो सेक्युलर लोग हैं इस शहर के, जो इस शहर से प्यार करते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इससे खुश नहीं है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
स्वागत है। श्रीराम शिक्षण संस्था द्वारा संचालित श्रीराम विद्यालय रामटेक में विद्यालय का प्रथम दिवस मनाया गया। छात्रों का शिक्षकों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री विजय थेंगारी ने छात्रों का स्वागत कर वर्दी वितरित की। रामटेक के श्रीराम विद्यालय में स्कूल के पहले दिन सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ स्कूल पहुंचे। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की 151वीं जयंती स्कूल के पहले दिन के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक श्री ठेंगारी सर, श्री बबलू यादव, वरिष्ठ शिक्षक श्री राहुल गवई मंडल और देवलापार के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए पूर्व सरपंच श्री गुलाबराव मरासकोल्ले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों के ज्ञानवर्धन के बाद सभी विद्यार्थियों को स्कूल पोषाहार के साथ साथ मधुर वादन दिया गया। विद्यालय की सभी शिक्षिका श्रीमती नीलजा कोल्ले, श्रीमती सालवे, सौसरेखा चिचखेड़े, महेश सावन, दिनेश टांगले, कैलाश कुर्जेकर, विकास बावनकर, नाना बाजन घाटे व सुधीर गराड़े ने विशेष प्रयास किए। कार्यक्रम का संचालन कुमारी भारती महाजन ने बखूबी किया। देवेंद्र फडणवीस के एकनाथ शिंदे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री होने की घोषणा करने के बाद ही गोवा में शिंदे समर्थक विधायकों ने नृत्य करते हुए जश्न मनाया। साथ ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शुभकामनाएं भी दी। इन शिंदे समर्थकों का जश्न मनाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वर्धा जिले में कई किसानों ने बुवाई की है। इसके अलावा किसान लंबे समय तक बारिश के कारण अंकुरित बीजों को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोहरी बुवाई का संकट कगार पर है। अभी तक वर्धा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कोई आधिकारिक एजेंसी नियुक्त नहीं की गई है। मानसून की शुरुआत के साथ ही जिले में कपास, सोयाबीन और अन्य फसलों की बुआई हो चुकी है। हालांकि लंबी बारिश के कारण कई किसानों को दोहरी बुआई के संकट का सामना करना पड़ रहा है। फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए उपयोगी है। वर्तमान में फसल बीमा योजना वैकल्पिक है। वर्धा जिले में इस योजना के लिए कोई आधिकारिक एजेंसी नियुक्त नहीं की गई है। फसल बीमा कंपनी की नियुक्ति जिला स्तर पर नहीं बल्कि सरकार द्वारा की जाती है। प्रशासन उन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया में है और जल्द ही एक फसल बीमा कंपनी की नियुक्ति की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी अनिल इंगले ने बताया। पीक विमा कंपनीची जी नियुक्ती आहे तर ती बऱ्याचशा लोकांची मागणी होती की जो बीड पॅटर्न आहे त्या बीड पॅटर्नच्या आधारावर विमा कंपनीची नियुक्ती करा। तर आता त्यावर शासनाचा विचार चालू आहे। विमा कंपनीची नियुक्ती इथून जिल्ह्यातून नाही होत, ती राज्य सरकार करते। तर 15 जुलै ती प्रोसेस चालू आहे आता आणि आपल्यापर्यंत 15 जुलैपर्यंत नियुक्ती होऊन आपल्यापर्यंत शासन निर्णय येण्याची शक्यता आहे। ते प्रशासनाचं काम आहे। प्रशासन हे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा तसंच आहे की त्यांचं विम्याची एजन्सी अजून नियुक्त शासनाने केलेली नाही आहे। वास्तविक पदा ती करायला पाहिजे होती। या पिरियडमध्ये जेवढ्या शेतकऱ्यांचा आता जो लॉस झालेला आहे तर काही ना काहीतरी विमा भेटला असता, पण शासनाचं याच्याकडे दुर्लक्ष झालं असल्यामुळे हा सर्व शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान जे आहे ते शेतकऱ्यांचंच होणार आहे। याच्यात शासनाचं काही होणार नाही आहे। तरी पण शासनात जे काही आहे त्यांनी लक्ष देऊन त्वरित या विमा कंपन्यांची नियुक्ती करणे, शेतकऱ्यांना काय लागते काय नाही लागत याच्याकडे लक्ष देण्याची अतिशय गरज आहे। 28 जून को नागपूर के शुभम नगर इलाके में रहने वाले MSEB के तंत्रज्ञ प्रवीण सीताराम हनुमते यह अपने वरिष्ठ कर्मचारी के आदेश से एक महिला सहकारी के साथ जुनैद खान और इमरान खान इनके घर का बिजली पुरवठा खंडित करने के लिए गए थे। तब उनके काम में इन दोनों आरोपियों ने रुकावट कर गाली गलौज और मारपीट की, साथ ही महिला सहकारी को भी मारहाण करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 28/6/22 रोजी सुभान नगर येथील MSEB तंत्रज्ञ श्री प्रवीण सीताराम हनवते हे त्यांच्या वरिष्ठांच्या आदेशाने सुभान नगर परिसरात राहणारे जुनैद खान व इमरान खान यांच्या घरचा वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी एक महिला सहकाऱ्यासोबत गेले होते। त्यावेळी हे त्यांचं कर्तव्य पार पाडत असताना, वीज पुरवठा खंडित करत असताना हे जे आरोपी आहेत दोन यांनी त्यांना अडथळा केला व त्यांना शिवीगाळ करून हाताबुक्याने मारहाण केली। महिला कर्मचारी सोडवला गेला असता त्यांना पण मारहाण केली। तर अशा प्रकारच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला आपण गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे 353 वगैरे सेक्शन अन्वये आणि यातील दोन्ही आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। हे जुनैद शेख, जुनैद खान आणि इम्रान खान आहेत। मारहाण
तालिबानला काय आव्हान करावं अशा प्रकारे महिला हे जे तंत्रज्ञ आहेत हे यांच्या वरिष्ठाच्या आदेशान्वये कर्तव्य बजावण्याकरता गेले होते. कोणालाही जर काही अडचण असली तर त्यांनी त्यांच्या अडचणीचं रिड्रेसल कन्सर्न ऑफिसमध्ये जाऊन करायला पाहावं. मारहाण करून त्यांनी अशा प्रकारे कायदा स्वतःच्या हातात घेऊ नये एवढं सांगू इच्छितो. आषाढी वारी के लिए शेगाव से पंढरपूर की संत गजानन महाराज की पालखी यात्रा ने आज सुबह करीब 10 बजे उस्मानाबाद शहर में प्रवेश किया. भगवान विठ्ठल के लिए पंढरपूर रवाना हुई पालकी के जुलूस का नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे ने स्वागत किया. शेगाव से पंढरपुर की संत गजानन महाराज की पालखी यात्रा का उस्मानाबाद में स्वागत किया गया. उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अपनी पत्नी से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत सहित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. उधर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने जिला कलेक्टर कौस्तुभ दिवेगावकर ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि जिले में खूब बारिश हो और किसान खुश रहे. इस अवसर पर रेजिडेंट कलेक्टर श्री स्वामी, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल गुप्ता, जिला कृषि अधीक्षक महेश तीर्थकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिकल्याण यालगट्टे उपस्थित थे. आषाढी वारीच्या निमित्तानं संत श्रेष्ठ गजानन महाराजांची जी पालखी आहे ती आज उस्मानाबाद शहरामध्ये आहे. नगरपालिकेच्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पालखीच्या स्वागताची तयारी करण्यात आलेली आहे. या निमित्ताने वारीचं पुण्य आम्हाला जिल्हा प्रशासनाने लाभतं त्या दृष्टीने आम्ही पालखीचं दर्शन आत्ता घेतलेलं आहे. सध्या जिल्ह्यामध्ये आपली पेरणीची स्थिती सध्या बिकट आहे कारण अजून पाऊस मोठ्या प्रमाणावर झालेला नाही आहे. शेतकऱ्यांना विभागाने सांगणंही आहे की 80 ते 100 मिलीमीटर पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये. मात्र जितका पाऊस लांबतोय तितकं शेतकऱ्यांच्या आणि अगदी जिल्हा प्रशासनाच्या मनातही एक धाकधूक आहे. त्यामुळं या वारीच्या निमित्तानं विठुरायाच्या चरणी आम्ही हीच प्रार्थना करतोय की पाऊस पुरेसा पडावा आणि आबादाने होऊ दे असं जे म्हणतो आपण तसं यावर्षी शेतकऱ्याच्या घराचं धान्याचं कोठार भरलं जावं एवढीच विठुरायाच्या चरणी प्रार्थना. कोरोनाही वाढतोय. कोरोनाच्या बाबतीमध्ये लसीकरण आपल्या जिल्ह्यातलं 80% पुढं गेलेलं आहे त्याच्यामुळं केसेस एकदम वाढणार नाहीत अशी आम्हाला आशा आहे. मात्र लसीकरणाचं दुसऱ्या लसीकरणाचं जे पर्सेंटेज आहे ते अजूनही 35% लोकांनी दुसरी लस घेतलेली नाही आहे. त्याच्यामुळं आमचं निवेदन आहे की मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करून घ्या. एकदा लसीकरण करून घेतल्यानंतर गंभीर आजाराची शक्यता कमी झालेली आहे त्यानुसार सगळ्यांनी काळजी घ्यावी. आणि खतं आणि धान्याच्या बाबतीत अजून एक निवेदन करायचं आहे की खतं आणि धान्याचा काळा बाजार होतोय किंवा अधिक भावानं विक्री होतीये अशी जर कोणाकडे तक्रार असेल तर ती थेट माझ्या कार्यालयात पण देऊ शकता किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी यांच्या कार्यालयातही आपण देऊ शकता. प्रत्येक तक्रारीची दखल घेण्याचा आमचा प्रयत्न. तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.